देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। संविधान को अगर दो सरल शब्दों और भाषा में कहना हो तो कहूंगा डिग्निटी और इंडियन और यूनिटी और इंडिया। इन्हीं दो मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है। नागरिक की डिग्निटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता को अक्षुण रखा है। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके के सांसदों ने संविधान दिवस समारोह के बहिष्कार का फैसला किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की है। विपक्षी दलों ने संसद परिसर में अम्बेडकर प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के कारण आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। वहीं इस मामले को लेकर कल दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।